Magic. आज हम पढ़ेंगे कोरल ड्रा, जो कि डीसीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और जिसके एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाले हैं। तो किस तरीके से ऑनलाइन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझेंगे। तो कोरल ड्रा सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरल ड्रा क्या है, व्हाट इज कोरल ड्रा। पहला ऑप्शन, कोरल्स ग्राफिक सूट है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। या चौथा है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। कोरल ड्रा एक ग्राफिक सूट भी है, जैसे हमने ये देखा था कि वर्ड प्रोसेसर का एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड, उसका उदाहरण है। स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर होता है, उसका उदाहरण एमएस एक्सेल है। इसी प्रकार से ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो कोरल ड्रा एक जो है ग्राफिक्स एडिटर का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है और ये ग्राफिक डिजाइनिंग का एप्लीकेशन है। ग्राफिक को इसको डिजाइन कर सकते हैं इसके द्वारा और ये कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, कोरल ड्रा का प्रथम संस्करण कब रिलीज हुआ। कोरल ड्रा वॉज इनिशियली रिलीज इन 1989, 1985, 1990, 1992। तो इसका सही आंसर है 1989। कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोरल ड्रा जो है वो रिलीज किया गया, इसका सबसे पहला संस्करण 1989 में। कोरल ड्रा का प्रथम संस्करण क्या था, उसका नाम क्या था, कोरल 1.0, कोरल 2, कोरल 3, कोरल 4। तो इसका सही आंसर है कोरल जो है 1.0। कोरल ड्रा का सबसे पहला संस्करण रिलीज किया गया था जिसका नाम था कोरल 1.0। अगला क्वेश्चन, कोरल ड्रा का नवीनतम संस्करण कौन सा है। इतने सारे कोरल ड्रा के वर्जन है, उसमें सबसे लेटेस्ट संस्करण कौन सा है। ए, कोरल ड्रा X8 जो कि मार्च 2016 में आया, कोरल ड्रा X7 मार्च 2014 में आया, कि कोरल ड्रा X6 मार्च 2012 में आया, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है कोरल ड्रा का, उसका नाम है कोरल ड्रा X8। अगला क्वेश्चन, कोरल ड्रा मूल रूप से किसके लिए विकसित किया गया। कोरल ड्रा वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर, तो इसका है ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3, विंडोज XP, विंडोज विजिटा या विंडोज 7। तो कोरल ड्रा जो है वो शुरुआत में बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1 के लिए, ये विंडोज का वर्जन, उसी के लिए सबसे पहले कोरल ड्रा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, कोरल ड्रा वर्तमान में किस पर चलता है। कोरल ड्रा जो है विंडोज विजिटा में भी चल सकता है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलता है, विंडोज 8 में भी चलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोरल ड्रा जो है वो चल रहा है सभी वर्जन में, विंडोज के सभी वर्जन में जो कोरल ड्रा चलता है। कोरल ड्रा सूट का गुण है, फीचर ऑफ कोरल ड्रा सूट क्या मुख्य इसकी विशेषता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समर्थन, इसमें से फाइल को इंपोर्ट भी किया जा सकता है, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, सेव पर बैकअप भी लिया जा सकता है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अभी हम आगे चल के आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे सारी चीजों की, किस तरीके से जब ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट आएगा। अभी इसकी केवल कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अभी अपन समझ रहे हैं। कोरल ड्रा सूट का घटक है, कंपोनेंट्स ऑफ कोरल ड्रा, स्टैंडर्ड मेन्यू, टूल बॉक्स, पैलेट बॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है डी। अब देखिए, कोरल 11 हमने यहाँ ओपन करके रखा है, ये है टाइटल बार, ये है मेन्यू बार, इसको बोलेंगे ऑप्शन बार, ठीक है। और ये दिया गया है टूल बॉक्स, ये कहलाता है ड्रॉइंग एरिया, ये कहलाता है कलर पैलेट। ये कुछ चीजें हैं जो हमको कोरल ड्रा की विंडो में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, इसलिए इसका आंसर है डी, कोरल ड्रा सूट का घटक नहीं है, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कोरल ड्रा। स्टैंडर्ड टूल बॉक्स, कंपोनेंट बॉक्स, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट बॉक्स हमको कहीं पर दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी कंपोनेंट बॉक्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर है बी, कंपोनेंट बॉक्स। स्टैंडर्ड टूल बॉक्स आपको ही दिखाई देगा, ये टूल बॉक्स दिया होता है यहाँ पर, ये देखिए कोरल ड्रा में, इसको टूल बॉक्स बोलेंगे, इसको मेन्यू बार बोलेंगे, ये ऑप्शन बार है। जिस भी टूल को आप सिलेक्ट करोगे उसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन जो है ये बदलती जाती है, इसलिए इसको ऑप्शन बार बोलेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट बॉक्स कहीं भी नहीं है, इसीलिए जो है इसका आंसर है कि कंपोनेंट बॉक्स कोरल ड्रा का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोरल ड्रा क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई कोरल ड्रा इज इम्पोर्टेंट। इससे कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है,
इसके अनेक ग्राफिक टूल के द्वारा विभिन्न आकार, लाइंस और अन्य रचनाओं को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी दोनों बातें सही है, इससे कार्य भी शीघ्रता से हो जाता है। जो भी आपको फ्लैक्स डिजाइन करना है, पंपलेट डिजाइन करना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, किसी प्रकार से भी पब्लिकेशन से संबंधित कार्य बनाना है, बहुत ही तेजी से बस टूल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल करते हुए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना कार्य शीघ्रता से कर सकते हैं। इसके अनेक ग्राफिक टूल के द्वारा विभिन्न आकार, लाइंस और अन्य रचनाओं को बनाया जा सकता है, ये भी सही है। यह व्यावसायिक तथा घर पर निजी कार्य दोनों के लिए डिजाइनिंग से संबंधित समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कोरल ड्रा का प्रयोग न्यूज लेटर बनाने के लिए भी किया जाता है, बिजनेस कार्ड्स बनाने के लिए भी किया जाता है, निमंत्रण पत्र बनाने के लिए भी किया जाता है, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी डी। कोरल ड्रा की विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोरल ड्रा की? यह अनेक मास्टर लेयर के साथ अनेक पेजेस को हैंडल करने में सक्षम बनाता है। ये देखिए, यहाँ पर पेज वन है, इसी तरीके से पेज टू भी आ जाएगा, पेज थ्री भी आ जाएगा, और इसके अंदर हम जितनी चीजों में काम करते जाएंगे वो लेयर के रूप में हमको दिखाई देती जाएगी। जैसे एक लेयर ये हो गई, इसी के ऊपर अगर हमने दूसरी बनाई, ये देखिए जो भी सिलेक्ट रहेगा उस तरीके से आपको यहाँ पर लेयर जो है वो दिखती जाएंगी। ये अलग 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 कई पेजेस में अलग अलग लेयर के साथ इसमें हम काम कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है अनेक मास्टर लेयर के साथ अनेक पेजेस को हैंडल करने में सक्षम बनाता है। इसमें मल्टी पेज डॉक्यूमेंट को सरलता से क्रिएट और संपादित किया जा सकता है। देखिए यहाँ से पेज जोड़ते हुए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपको कोई बुक पब्लिश करनी है तो बुक के हर एक पेज को आप, जितने भी पेज की बुक होगी सबके पेजेस को यहाँ पर जाकर के आप एक एक पेज को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। यह मल्टी आर्टिकल न्यूज लेटर आदि को क्रिएट और एडिट करने के लिए उपयोगी है। मल्टी आर्टिकल न्यूज लेटर जिसमें बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उनको भी डिजाइन के रूप में अलग अलग पेजेस में बनाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। ग्राफिक्स फाइल क्या है? ग्राफिक्स फाइल, एक इमेज की फाइल को भी हम ग्राफिक्स फाइल बोलते हैं, तो ग्राफिक्स फाइल क्या कहलाती है? ग्राफिक की फाइल, पिक्चर की फाइल, इमेज की फाइल, उपरोक्त सभी, सभी को हम ग्राफिक्स फाइल बोलेंगे। जो भी हम इसमें बनाते हैं उसको जेपीजी या किसी भी इमेज या ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, इसलिए जो ग्राफिक फाइल कहलाती है वो सभी चीजें कहलाती है। ग्राफिक की फाइल भी कहेंगे उसको, पिक्चर की फाइल भी कहेंगे उसको, इमेज की फाइल भी कहेंगे उसको, इसलिए आंसर उपयुक्त सभी। अब ग्राफिक्स बस क्या है? ग्राफिक्स की फाइल तो समझ गए, जो भी अपन सेव करेंगे जो एक फाइल बनेगी, जैसे कोरल ड्रा में हमने कुछ डिजाइन किया जो एक फाइल के नाम से हम सेव करते हैं वो क्या कहलाती है? ग्राफिक फाइल। ग्राफिक क्या कहलाता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर में तैयार किया गया ग्राफिक, स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया चित्र, जो स्कैनर डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, उसके द्वारा किसी भी चीज को हम स्कैन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो इमेज के रूप में वो कंप्यूटर में आ जाता है, इसलिए ग्राफिक्स इन दोनों को बोलेंगे। सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में अगर कोई हम ग्राफिक तैयार करते हैं तो वो भी ग्राफिक है, जैसे कोरल ड्रा में हम अगर हम कुछ तैयार करेंगे, कोई भी डिजाइन, पंपलेट, कुछ भी बनाएंगे तो वो भी ग्राफिक है, और जो स्कैन करेंगे वो भी एक ग्राफिक्स ही कहा जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सही है? विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? 4 बिट प्रति पिक्सल 16 रंगों की इमेज को संदर्भित करता है, 8 बिट प्रति पिक्सल 256 रंगों की इमेज को प्रदर्शित करता है, और 16 बिट प्रति पिक्सल 32,768 रंगों की इमेज को प्रदर्शित करता है। आंसर उपरोक्त सभी। तो कोरल ड्रा में देखिए कलर्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 4 बिट प्रति पिक्सल 16 रंगों की इमेज को प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है ना। 8 बिट प्रति पिक्सल 256 रंगों की इमेज को प्रदर्शित कर सकता है, तो ये बताया जा रहा है कि कितने बिट प्रति पिक्सल कितने रंगों की इमेज को प्रदर्शित करेगा। यदि आप 16 बिट प्रति पिक्सल पे काम कर रहे हैं तो 32,768 रंगों की इमेज को वो प्रदर्शित कर सकता है, तो अलग अलग कैटेगरी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक फाइल फॉर्मेट का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट? बीएमपी बिटमैप फाइल फॉर्मेट होता है, जीआईएफ फाइल फॉर्मेट होता है, और जेपीजी भी होता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी। ये तीनों ही फाइल के फॉर्मेट हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक फाइल फॉर्मेट का प्रकार नहीं है? अब कौन सा प्रकार नहीं है? टिफ ये भी फाइल का फॉर्मेट होता है, ईपीएस भी फाइल का फॉर्मेट होता है, पीएनजी भी फाइल का फॉर्मेट होता है, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीएमपी फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, तो बीएमपी भी एक फाइल फॉर्मेट होता है। देखिए इसमें आंसर ही ऐसा दिया गया है जो इस बीएमपी के बारे में आपको पूरी जानकारी थ्योरी के रूप में भी दे देगा।
यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मानक रास्टर फॉर्मेट है, ये विंडोज का फॉर्मेट है बीएमपी। इस प्रकार की फाइल को बिटमैप फाइल कहा जाता है, बी से बिट और एमपी से बिटमैप फाइल कहा जाता है। बीएमपी फाइल को विंडोज के पेंट ब्रश प्रोग्राम में तैयार किया जाता है। पेंट ब्रश प्रोग्राम में जो भी फाइल आप बनाएंगे सेव करेंगे तो वो डॉट बीएमपी एक्सटेंशन मतलब बिटमैप फाइल के रूप में ही सेव होती है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी। बीएमपी फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में क्या गलत है, ठीक है पहले पूछा गया क्या सही है, सारी जानकारी दी गई, अब इसमें पूछा गया क्या गलत है, तो आपको बीएमपी फाइल फॉर्मेट के बारे में और अच्छे से जानकारी हो जाएगी। इसका प्रयोग विंडोज में वॉलपेपर की भांति किया जा सकता है, ठीक है। विंडोज बीएमपी फाइल के लिए बात सही है, इसका प्रयोग हम किसकी तरह कर सकते हैं, वॉलपेपर की तरह कर सकते हैं। विंडोज बीएमपी फाइल के लिए एक निश्चित कलर पैलेट का प्रयोग करती है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही, ये भी ट्रू है कि विंडोज फाइल फॉर्मेट के लिए कलर पैलेट का उपयोग करती है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सी बोथ ए एंड बी और ए और बी या सी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है जीआईएफ फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में क्या सही है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे इसके बारे में थ्योरी भी हमको बताते जा रहा है। यह रंगों को परिभाषित करने के लिए कलर लुकअप टेबल का प्रयोग करती है। कलर लुकअप टेबल कलर का एक एरे होता है जहां बहुत सारे कलर को इंडेक्स करके रखा जाता है, तो जीआईएफ फाइल फॉर्मेट कलर को निकालने के लिए कलर लुकअप टेबल का इस्तेमाल करती है। यह केवल 256 कलर्स प्रति इमेज को ही समर्पित करता है, 256 कलर ही आप किसी इमेज में डिस्प्ले करवा पाएंगे अगर आपने किसी फाइल को जीआईएफ में बनाया है या जीआईएफ में सेव किया है। फ्लैट और सॉलिड कलर के साथ इमेजेस के लिए सर्वोत्तम विकल्प है, इमेजेस के लिए सर्वोत्तम विकल्प है उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों चीजें जीआईएफ के संदर्भ में सही हैं, इसलिए इसका आंसर है जो है डी उपरोक्त सभी।